Bismillahir Rahmanir Rahim. In this video, we talk about FSC Second Year Biology Chapter 15 Homeostasis का lecture, जिसमें हम पढ़ेंगे osmoregulation in different environment. Previous lecture में हम पढ़ चुके थे about balance of water and solutes in the body, जिसमें हमारे पास three types के environment थे, hypertonic, isotonic एंड हाइपोटोनिक. इसके अलावा हमने पढ़ा था ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डिफरेंट हैबिटेट्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड ज़ेरोफाइट्स. और इसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स की टू टाइप्स हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मोरेगुलेटर्स. ये वो तमाम टर्म्स हैं जिनके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं. और आज का नेक्स्ट लेक्चर है ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. ऑस्मोरेगुलेशन मींस द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन द बॉडी. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. फर्स्ट वन है मेरीन एनवायरनमेंट. मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन सी स्पीशीज, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इस एनवायरनमेंट के अंदर किस तरह सरवाइव करते हैं, कैसे ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं. क्योंकि हम जानते हैं सी वाटर के अंदर मैक्सिमम साल्ट कंसेंट्रेशन होती है और किस तरह ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस साल्टी एनवायरनमेंट के अंदर मेंटेन रखते हैं. क्योंकि हम जानते हैं कि हम अगर एक गिलास भी सी वाटर का ड्रिंक कर लें तो हमें वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, क्योंकि सी वाटर में टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. लेकिन ये स्पीशीज किस तरह इस एनवायरनमेंट में सरवाइव करती हैं, इसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे. सेकंड एनवायरनमेंट है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट. फ्रेश वाटर कहते हैं एक्सेप्ट सी वाटर को हम फ्रेश वाटर कहते हैं. फ्रेश वाटर हमारे पास लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स और ये तमाम हमारे पास फ्रेश वाटर की एग्जांपल है. हम पढ़ेंगे कि फ्रेश वाटर में कौन कौन सी स्पीशीज रहते हैं और किस तरह वो वाटर एंड साल्ट को मेंटेन करती. इसके अलावा हमारे पास थर्ड एनवायरनमेंट है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट. टेरेस्ट्रियल कहते हैं ड्राई लैंड एनवायरनमेंट वेयर लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर. टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर फॉरेस्ट, डेजर्ट और टंड्रा इकोसिस्टम, इसके अलावा हिली एरियाज, ये तमाम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर कंसिडर की जाती है. जी, तो इस स्लाइड में हमने समझा कि हमारे पास थ्री टाइप के एनवायरनमेंट है, मेरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल. हम इनको वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में स्टडी करते हैं. मेरीन एनवायरनमेंट. मेरीन में अगर हम बात करें इनवर्टिब्रेट्स की तो मोस्टली इनवर्टिब्रेट ऑस्मो कन्फॉर्मर्स होंगे. इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं होता. और आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, बहुत कम तादाद वर्टिब्रेट्स की होती है. ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें नो नीड टू कंट्रोल, एक्टिवली एडजस्ट देयर ऑस्मोटिक स्टेट. ये हमारे पास एग्जांपल है मैरीन इनवर्टिब्रेट्स की जिसमें आपको स्टारफिश नजर आ रही है. इनका जो बॉडी फ्लूड है वो आइसोटोनिक कंडीशन में होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसलिए इनको एक्टिवली एडजस्ट करने की, बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती. इसके अलावा नेक्स्ट एग्जांपल हैगफिशेस. हैगफिशेस आल्सो कीप देयर एनवायरनमेंट आइसोटोनिक टू द सराउंडिंग्स सी वाटर. मीन्स हैगफिशेस भी हमारे पास ऐसी स्पीशीज हैं जिनका जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स है वो सेम होता है टू द सराउंडिंग सी वाटर. इनको भी एक्टिवली एडजस्ट करने की, रेगुलेट करने की जरूरत नहीं होती. इनका बॉडी फ्लूइड सेम होता है टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट है कार्टिलेजिनियस फिशेस. कार्टिलेजिनियस मीन फिशेस की टाइप्स होती हैं. वो फिशेस जिनका स्केल्टन कार्टिलेज या सॉफ्ट बोन से बना हो उसे हम कार्टिलेजिनियस फिशेस कहा जाता है. और ऐसे फिशेस जिनका स्केल्टन स्ट्रॉन्ग कॉम्पैक्ट बोन से बना हो उन्हें हम बोने फिशेस कहते हैं. तो कार्टिलेजिनियस फिशेस कौन सी हैं? इनका ऑस्मोरेगुलेशन सिस्टम डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू मेरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड हैग फिशेस, क्योंकि इनके अंदर किडनीज है ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए. इनके अंदर साल्ट एक्सक्रीटिन ऑर्गन होते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स जो ऑस्मोरेगुलेशन में सपोर्ट करेंगे. कार्टिलेजिनस फिशेस मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट कंसेंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर. मींस सी वाटर की निस्बत इन्होंने अपने आप को मेंटेन करना है और साल्ट कंसेंट्रेशन को लो करना होता है, और साल्ट कंसेंट्रेशन को लो रखना होता है.
और इनके किडनीज हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं साल्ट को थ्रू गिल्स, और इनके अंदर साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स भी होते हैं जिसे हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं, और इनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है टू रिमूव साल्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक तरफ ज्यादा मिकदार और दूसरी तरफ कम हो तो उसे हम ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कहा जाता है। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारे पास इसमें ड्रिंक साल्ट वाटर स्वॉलर्ड विद फूड, मीन जब पानी पिएगी तो पानी के साथ साल्ट और फूड जब इसकी बॉडी के अंदर आता है तो साल्ट जो है वो डिफ्यूज करते हैं थ्रू गिल्स, और वाटर जो है वो ऑस्मोटिकली इनकी स्किन से भी इनकी बॉडी में आता है, और इनके अंदर किडनीज होती हैं जिनमें लार्ज ग्लोमेरुलर होता है जो यूरिया एब्जॉर्ब करता है, और इनके अंदर साल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस। इस डायग्राम में हमने क्या समझा कि इनके अंदर किडनीज हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन कर रही है, जो गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट को प्रोसीड करती है। नेक्स्ट है यूरिया रिटेनिंग मैरीन फिशेज। रिटेनिंग कहते हैं बरकरार रखना। वो फिशेज, वो मैरीन फिशेज जो अपने अंदर यूरिया को बरकरार रखती हैं, उन्हें हम यूरिया रिटेनिंग मैरीन फिशेज कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन पैदा होता है कि यूरिया तो एक नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है तो ये अपने अंदर बरकरार क्यों रखेंगे, इसका जवाब हम इसमें समझेंगे। और ये बात भी आप समझ लें कि यूरिया लेस टॉक्सिक होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। अमोनिया जो है ये हमारे पास मोर टॉक्सिक होता है। जब भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया यानी लेस टॉक्सिक, जिसको रिटेन किया जा सकता है कुछ देर के लिए। तो कुछ ऐसे फिशेज हैं जिनके बॉडी फ्लूइड्स में रिलेटिवली लो साल्ट्स होते हैं, लेकिन ये अपने बॉडी फ्लूइड्स में यूरिया की मिकदार को बरकरार रखते हुए सी वाटर को हाइपरटोनिक फ्राहम करते हैं। और क्योंकि यूरिया की हाई कंसेंट्रेशन नुकसानदेह साबित हो सकती है तो दीज फिशेज रिटेन अनदर केमिकल ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। ये ऐसा केमिकल है जो इस डेंजरस हाई कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया से प्रोटेक्ट करता है फिशेज को। और ट्राइमिथाइल एमाइन ऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है इन फिशेज अगेंस्ट यूरिया। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये मैरीन फिश हैं। व्हेन ड्रिंक सी वाटर विद फूड, तो इस मैरीन वाटर के अंदर साल्ट कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से वो साल्ट इसकी बॉडी में आके गिल्स के थ्रू सिक्रीट हो जाएगा, रेक्टल ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा। इस तरह ये वाटर और साल्ट्स को इनटेक करती हैं गिल्स और स्किन और रेक्टल ग्लैंड से डिस्चार्ज आउट करती हैं। नेक्स्ट है बोनी फिशेज। बोनी फिशेज से मुराद वो फिशेज जिनका स्केल्टन हार्ड और कम्पैक्ट बोन से बना हो, उसे हम बोनी फिशेज कहते हैं। बोनी फिशेज के बारे में कहा जाता है कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम द फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स बट later they become marine. They drink large amount of sea water and they excrete concentrated urine. Concentrated urine का मतलब होता है more salts and less water in urine. So they excrete maximum salts but loss minimum water. Bony fishes की हम एक example देखते हैं। ये हमारे पास marine fish है जिसमें osmoregulation को हम study करेंगे। Mouth है where gain of water and salt signs from food and gain of water and salt sign from drinking sea water. यानी एंट्री पॉइंट है वाटर का, फूड का और साल्ट का। तो ये बहुत ज्यादा पानी पीती है, जब बहुत ज्यादा पानी पीती है तो बहुत ज्यादा साल्ट भी इनकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो उनको सिक्रीट करती है थ्रू गिल्स एंड थ्रू रेक्टल ग्लैंड। तो यानी बहुत ज्यादा वाटर ड्रिंक करेंगी और कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगी, इसे कहते हैं एंट्री और गेन ऑफ वाटर एंड लॉस ऑफ वाटर, गेन ऑफ साल्ट एंड लॉस ऑफ साल्ट। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मीन वो वाटर जो सी के अलावा होगा, एक्सेप्ट ओशंस। मीन फ्रेश वाटर एनिमल्स आर कॉन्स्टेंटली फेसिंग द ऑस्मोटिक फ्लूडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड लॉस ऑफ साल्ट। फ्रेश वाटर एनिमल्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, इनके अंदर वाटर बड़ा तेजी से इनके बॉडी फ्लूइड्स में आ जाता है और लॉस ऑफ साल्ट। जिसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फ्रेश वाटर में प्रोटोजोआ अमेबा एंड पैरामीशियम पंप आउट एक्सेस वाटर बाय स्ट्रक्चर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम्स। फ्रेश वाटर को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन इन अमेबा, या ये एंट्री ऑफ वाटर है, वाटर इंटर होगा इनटू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम स्वेल करेंगे
और ये मूव करेंगे टूवर्ड द मेम्ब्रेन और वहां पे वाटर को एक्सपेल कर देंगे। इसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, मींस मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी। इसके अलावा फ्रेश वाटर एनिमल्स में कुछ फिशेज ऐसी हैं जो लार्ज डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, लॉस ऑफ साल्ट्स बाय प्रेफरेंस ऑफ साल्ट कंटेनिंग फूड एंड बाय एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट्स बाय गिल्स एंड स्किन। मींस फ्रेश वाटर जो होती हैं ड्रिंक वाटर एंड प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि फ्रेश वाटर में साल्ट्स कंसेंट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू सी वाटर, इसलिए इनका यूरिन मोस्टली डाइल्यूट होता है। इसके अलावा ये साल्ट्स को गेन करते हैं थ्रू गिल्स और रीअब्सॉर्ब भी करते हैं और एक्सेस साल्ट्स को सिक्रीट भी करते हैं। नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल लाइफ में ऑर्गेनिजम्स को सबसे बड़ा मसला इवेपरेशन की वजह से वाटर का लॉस हो जाना और पानी की कमी का सामना करना। इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स मीन ज्वाइंटेड फीट्स, इंसेक्ट्स आ जाते हैं एंड वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होगी। इन्होंने अपने आप को सक्सेसफुली अडॉप्ट कर लिया टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ, यानी इन्होंने इस ड्राई लैंड पे रहने के लिए अपने आप को आदी बना ली। और टेरेस्ट्रियल एनिमल की जो बॉडी सरफेस है वो कवर्ड होगी विद वैक्सी एक्सोस्केलेटन के साथ, ताकि वो वाटर को कम से कम लॉस कर सके। और इन इंसेक्ट्स के ऊपर मल्टी लेयर्ड डेड क्रेटिनाइज्ड स्किन सेल्स होते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के अंदर, जो पानी को खारिज होने से रोकते हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड्स कंपेंसेट द लॉस ऑफ वाटर। इसको हम इन एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, इन्हें हम आर्थ्रोपोड्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर स्केलेटन है, वैक्सी स्केलेटन है, जो इवेपोरेटिव लॉस को कंट्रोल कर। और डेड्स के अलावा हम एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप देखें इंसेक्ट है, ये भी आर्थ्रोपोड है, इसके ऊपर एक डेड क्रेटिनाइज्ड एक्सोस्केलेटन है जो इवेपोरेटिव लॉस को कम से कम करेगा। और मॉइस्ट फूड्स, तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मॉइस्ट फूड को ईट करते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट होता है, जो इनमें पानी की कमी को पूरा करने में सपोर्ट करता है। क्योंकि दे लिव ऑन टेरेस्ट्रियल ड्राई लैंड वेयर लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, तो ये डिपेंड करेंगे मॉइस्ट फूड के ऊपर। जिस तरह हम रमजान में दही का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि दही मेटाबॉलिज्म के बाद हमें वाटर रिलीज करता है जो हमारे लिए पानी की कमी को पूरा करता है। ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मोस्टली एनिमल ऑल्सो हैव मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एडॉप्टेशंस। मेटाबॉलिक को आप एक किस्म डाइटिंग कह सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म डाइटिंग करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन, गेन एंड लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स। इसके अलावा बिहेवियरल एडॉप्टेशंस हैं, जिसमें स्पीशीज माइग्रेट करती हैं, हाइबरनेट हो जाती हैं फॉर द सेक ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। सम डेजर्ट मैमल्स फॉर एग्जाम्पल कैंगरू रैट survives without drinking water, but they feeding on seeds of desert plants containing more carbohydrates which produce water of metabolism. Means kangaroo rats ऐसे organisms हैं जो desert plants के seeds के ऊपर feed करते हैं और पानी पिए बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। Terrestrial animals produce concentrated urine in their kidneys that reabsorbs most filtered water in the process of excretion. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं ये कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं थ्रू किडनी रीअब्सॉर्प्शन एंड मोस्ट फिल्ट्रेशन वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। टेरेस्ट्रियल एनिमल ये शॉर्ट क्वेश्चन है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस। कई एनिमल्स वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ होती है, इस खूसियत को हम एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। अब इनके कुछ क्लिप्स देखते हैं। ये कैंगरू रैट है जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहती है विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, दे फीड ऑन सीड ऑफ डेजर्ट प्लांट्स विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा कैमल्स हैं, दे ऑल्सो लिव इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। कैमल अगर एक बार पानी पी ले तो हफ्तों पानी पिए बगैर गुजारा कर सकता है, तो वो एनिमल्स जिनमें पानी की कमी को बर्दाश्त करने की हिम्मत होती है उन्हें हाइड्रोबायोसिस कहा जाता है। लास्ट में समरी ऑफ द लेक्चर,
इसमें हमने पढ़ा ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। थ्री टाइप्स के एनवायरनमेंट है, मैरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। मैरीन के अंदर हमने एग्जांपल को स्टडी किया, मैरीन इनवर्टिब्रेट कार्टिलेजिनस फिशेज, हैग फिशेज, एंड फ्रेश वाटर में अमीबा, फ्रेश वाटर एनिमल्स, और टेरेस्ट्रियल में हमने स्टडी किया इंसेक्ट्स, कैमल एंड कैंगरू रैट। इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।